नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय नॉर्दर्न आयरलैंड के डिंगल नामक प्लेस पर हूँ। विशुद्ध रूप से आयरिश बस्ती, डिंगल आयरलैंड का एक प्रमुख शहर है और अपनी आयरिश भाषा और आयरिश कल्चर की वजह से दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ और भी कुछ देखने के लिए इस समय हम लोग डिंगल के मेन मार्केट में हैं। मेन मार्केट का ये कुछ इस तरह का व्यू मेन स्क्वायर का है, डिंगल मार्केट ही। और ये साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं, ऊपर की जो लाइन है वो आयरिश लैंग्वेज में है और नीचे की जो लाइन है वो इंग्लिश में है। तो यहाँ पर आयरिश और इंग्लिश कंबाइंड लिखी जाती है और यहाँ की 90% पॉपुलेशन आयरिश स्पोकन में है। और ये मेन मार्केट से जुड़ा हुआ ये एक आयरिश चर्च है सामने, और इस तरफ का व्यू कुछ अलग तरह का है। आइए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आज यहाँ पर लोकल मार्केट सजा हुआ है और काफी सारे लोग इस लोकल मार्केट में परचेजिंग के लिए आए हैं। ये दूसरा मेन स्क्वायर है और ये एक रास्ता पार्क की तरफ जाता है। और ये सामने छोटा सा एक मार्केट है जिसका मैं व्यू आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर लोकल फूड और लोकल वस्तुएं बिकने के लिए आई हैं, खास करके सी फूड यहाँ पर बिकता है और भी खाने पीने की चीज़ें लोकल लोगों के द्वारा यहाँ पर विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। डिंगल के मार्केट में हर ब्रांड अवेलेबल है और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो मध्यकालीन इमारतों की, छोटी छोटी बिल्डिंग मिडिवल एज की हैं, मध्यकाल की हैं। और मध्यकाल से ही ये एक पोर्ट रहा है व्यापारिक, जहाँ पर डॉकयार्ड है और आसपास के यूरोपीय देशों के साथ इसके व्यापारिक संबंध रहे हैं। और इस छोटी सी जगह की बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट आइसक्रीम लोकल बनाई जाती है और वो वन ऑफ दी बेस्ट आइसक्रीम इन द वर्ल्ड होती है। मैं आपको वो शॉप दिखाता हूँ जहाँ पर यहाँ की लोकल मेड आइसक्रीम बनती है और वो वर्ल्ड क्लास है। उसके साथ साथ यहाँ पर डिंगल विस्की भी बनती है। डिंगल विस्की बिल्कुल गिनीज विस्की के पैरेलल इस आयरलैंड में फेमस है, डिंगल के नाम से विस्की लोकल ब्रांड। कुछ इस तरह का व्यू है इस मार्केट का। आइए मैं आपको तीसरी तरफ ले जाता हूं। ये मेन स्क्वायर है यहां का। डिंगल के मार्केट में हर ब्रांड अवेलेबल है और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो मध्यकालीन इमारतों की, छोटी छोटी बिल्डिंग मिडिवल एज की है, मध्यकाल की है। और मध्यकाल से ही ये एक पोर्ट रहा है व्यापारिक, जहाँ पर डॉकयार्ड है और आसपास के यूरोपीय देशों के साथ इसके व्यापारिक संबंध रहे हैं। और इस छोटी सी जगह की बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट आइसक्रीम लोकल बनाई जाती है और वो वन ऑफ दी बेस्ट आइसक्रीम इन द वर्ल्ड होती है। मैं आपको वो शॉप दिखाता हूँ जहाँ पर यहाँ की लोकल मेड आइसक्रीम बनती है और वो वर्ल्ड क्लास है। उसके साथ साथ यहाँ पर डिंगल विस्की भी बनती है। डिंगल विस्की बिल्कुल गिनीज विस्की के पैरेलल इस आयरलैंड में फेमस है, डिंगल के नाम से
विस्की लोकल ब्रांड। कुछ इस तरह का व्यू है इस मार्केट का। आइए मैं आपको तीसरी तरफ ले जाता हूं। ये मेन स्क्वायर है यहां का। और ये सामने जो दुकानें हैं ये पब्स हैं और इनमें से कुछ आइसक्रीम की दुकानें भी हैं आगे चल करके। और आइसक्रीम वर्ल्ड क्लास आइसक्रीम है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये इलाका पोर्ट का इलाका है और इस तरह का कुछ व्यू है यहाँ पर। लोग यहाँ का पैकेज लेते हैं सी का और आसपास के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वहाँ के लिए। यहाँ से टिकट्स मिलते हैं बोर्ड के और ये बुकिंग ऑफिस है और शानदार खिली हुई धूप में ये आनंद लेते हैं। आइए मैं आपको इस तरह का व्यू दिखाता हूँ। डिंगल डॉल्फिन शो होते हैं यहाँ पर, डॉल्फिन के शो होते हैं और वो काफी फेमस होते हैं, उन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं, डिंगल डॉल्फिन शो। और ये पोर्ट है, ये देखिए आप, शानदार पोर्ट है, काफी पुराना है ये पोर्ट। और दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है आगे तक फैला हुआ है, ये काफी आगे तक फैला हुआ है। ये पोर्ट व्यापारिक कार्यों के लिए मध्यकाल से ही इस्तेमाल किया जाता था और आज भी ये सक्रिय है। आज इसका उपयोग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी किया जा रहा है और टूरिज्म इंडस्ट्री आयरलैंड में काफी डेवलप है और टूरिज्म काफी यहाँ पर प्रमोट किया गया है। और ये इस तरह का कुछ व्यू यहाँ पर आ रहा है। डिंगल बुलेन, डिंगल में ये डिंगल नाम का जो कस्बा है ये अपने आप में ब्रांड है। और ये पीछे का सीन देखिए आप, पीछे का सीन हरा भरा काफी। और ये डिंगल कस्बे का सीन है। और ये चलते हैं आगे का कुछ और व्यू आपको दिखाते हैं। डिंगल डॉल्फिन शो के लिए यहाँ से टिकट बुकिंग होती है और ये पूरा टूरिस्ट ऑफिस है। लोग डॉल्फिन शो के लिए यहाँ से टिकट बुक करते हैं और क्रूज में या बोट में जाते हैं और डॉल्फिन शो को देखते हैं। और बड़े मज़ेदार होते हैं डॉल्फिन के शो। मैंने कई बार कई मुल्कों में डॉल्फिन शो देखे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा जीव है जो नाना प्रकार की हरकतें समुद्र में करता है और लोगों को आनंदित करता है। तो ये कुछ इस तरह का बोट क्रूज और बोट यहाँ पर डॉकयार्ड में खड़े हैं। और डॉकयार्ड के दूसरी तरफ का व्यू आपको दे रहा हूं। ये पूरा डॉकयार्ड है, हालांकि यहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और किसी का आना
रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन थोड़ी दूर तक तो मैं जा ही सकता हूँ। ये डिंगल के नाम से फेमस है ये। मैरीना सेंटर कहलाता है। यहाँ पैडल बोट भी अवेलेबल है लोगों के लिए। और ये बस का पूरा स्टॉप है, टूरिस्ट कोचेस यहाँ पर इनका पार्किंग है। कुल मिलाकर डिंगल एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। लगभग 10,000 की पॉपुलेशन होगी यहाँ पर, और काफी शांत और समृद्धशाली शहर दिखाई पड़ता है। यहाँ दो चीजें वर्ल्ड क्लास होती हैं, एक तो यहाँ का पोर्ट वर्ल्ड क्लास है, और यहाँ का लोकल प्रोडक्ट विस्की और आइसक्रीम वर्ल्ड क्लास है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस डिंगल पोर्ट पर हूँ, और डिंगल पोर्ट से आपको ये सारा नजारा दिखा रहा हूँ। हम लोग इस समय आयरलैंड के डिंगल नाम के कस्बे में हैं, और डिंगल अपने आप में एक ब्रांड है, पूरा वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। यहाँ की आइसक्रीम और यहाँ की विस्की और यहाँ की कूलन प्रोडक्ट और डॉकयार्ड वर्ल्ड क्लास है। इस समय मैं डॉकयार्ड के पास खड़ा हूँ, पोर्ट के पास खड़ा हूँ, और चारों तरफ का व्यू मेरे आसपास का बहुत ही विहंगम दिखाई पड़ रहा है। मेन हब है, टूरिस्ट हब है, सारे टूरिस्ट यहाँ पर आकर के टाइम स्पेंड करते हैं, और इस वक्त हम लोग आज में रंग बिरंगे विधानों से सुसज्जित टूरिस्ट अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए चले कुछ और व्यूज आपको दिखलाते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड का डिंगल कस्बा अपने आप में आयरलैंड का एक समृद्धशाली व्यापारिक शहर है। इस शहर की आइसक्रीम वर्ल्ड क्लास है, विस्की वर्ल्ड क्लास है, डिंगल विस्की, और सबसे बड़ा ये पोर्ट जो कि व्यापारिक पोर्ट है ये वर्ल्ड क्लास है। छोटा सा 10,000 की आबादी वाला ये कस्बा पूरे आयरलैंड का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में से गिना जाता है, टॉप सीनिक ब्यूटीज वाले प्लेसेस में से गिना जाता है। हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ की विस्की और आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। यहाँ की आइसक्रीम वर्ल्ड क्लास है, दूसरे देशों में निर्यात की जाती है, और मध्यकाल से ही यहाँ पर व्यापारिक पोर्ट के माध्यम से सैकड़ों वस्तुएँ आदान प्रदान की जाती हैं, और यहाँ के लोग बड़े व्यापारिक हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, इस तरह की कल्चरल लाइफ और सोशल लाइफ को एक्सप्लोर करने वाले वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म को लाइक कीजिए और अधिकाधिक से शेयर कीजिए। आपको कैसा लग रहा है यूनाइटेड किंगडम की जो वीडियोज़ मैंने आपको शेयर किए वो अभी कैसे लग रहे हैं? अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने बाकी हैं, देखते रहिए मेरा चैनल यूट्यूब हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव फिर किसी नए चैनल में और नए वीडियो में बातचीत। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।